इसराइल सेना हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है। इसराइली सैनिक टैंक और बख्तर बंद गाड़ियों के साथ गाजा में एंट्री ली और जमकर तबाही मचाई। वहीं ईरान की ओर से जमीनी एक्शन को लेकर धमकी दी गई है। गुरुवार को इसराइली सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी में सबसे भयानक हमला किया। गाजा में आतंकियों के 250 से ज्यादा ठिकाने तबाह किए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसराइल के टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और बुलेट प्रूफ बुलडोजर गाजा की सीमा में एंट्री ले चुके हैं। यहां वो हमास के मिसाइल लॉन्च पैड और अड्डों को तबाह कर रहे हैं। वहीं इसराइल की घेराबंदी और एयर स्ट्राइक की वजह से गाजा में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हर ओर तबाही का मंजर दिख रहा है। ईंधन खत्म होने की कगार पर है। अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो रही हैं। लोगों के सामने खाने पीने का संकट है। इजरायली सेना हमास के कंट्रोल सेंटर, सुरंगें, रॉकेट लॉन्चर्स और सैनिक ठिकानों को निशाना बना रही है। इस बीच ईरान ने इजरायल को धमकी दी है। اجتهاد قصه اینها را خواهد بردید آنجا